नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहां एक ओर देश भर में लॉकडाउन खुलने का पहला चरण शुरू हो चुका है, धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, तो वहीं लोगों की जरूरतें भी बढ़ने लगी है। यही कारण है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोर लुटेरे तरह तरह के क्राइम करते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में चोरों के द्वारा एक गांव में भैंस चोरी करने की वारदात को अंजाम देना चाहा, लेकिन क्षेत्र में तैनात 112 पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर कोतवाली इगलास भेज दिया गया। पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास का है, जहां पुलिस के द्वारा माँ शारदा स्कूल के पास से मैक्स गाड़ी में भैंस लाद रहे दो व्यक्तियों को दबोच लिया। इनके तीन साथी भाग जाने में सफल रहे। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम फैजान पुत्र मेहरुद्दीन निवासी एडीए कॉलोनी टंकी के पास अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट, मोहम्मद नईम पुत्र मोमिन निवासी मोहल्ला जंगलगढ़ी नौशे की दुकान का थाना दिल्ली गेट बताया। साथ ही आरोपियों के द्वारा भागे हुए अन्य तीन साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। वह इनके कब्जे से एक मैक्स गाड़ी, तीन भैंस व दो भैंसा बरामद किए हैं। पांचों पशुओं को इन्होंने शुक्रवार की रात्रि को गांव नगला जार से चोरी किया था। सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पकड़े गए आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। दूसरी ओर अगर बात पुलिस के खुलासे की कही जाए तो पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं। जहां एक ओर पुलिस आरोपियों से भैंस बरामदगी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस के खुलासे के ना तो कोई पशु मौजूद था और ना ही कोई पशुओं को ले जाने वाली मैक्स पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में जिक्र किया गया। अगर बात सूत्रों की कही जाए तो 27 जून को 4:28 पर पीआरबी 112 के द्वारा भैंस चोरी करके ले जा रहे दो बदमाशों को पकड़ा गया था। आरोपियों को हस्तपुर चौकी इंचार्ज के सुपुर्द करने के बाद किसानों को उनके पशु वापस कर दिए, लेकिन हस्तपुर चौकी इंचार्ज के द्वारा अपनी पीठ थपथपाने को लेकर खुलासा किया गया। अगर बात हस्तपुर चौकी क्षेत्र की कहें तो ये चौकी क्षेत्र वही है जहां आज से चंद दिनों पहले ही अपहरण हुआ था, जिसके आरोपी अभी तक इलाका पुलिस की पकड़ से दूर है। हमारे इंस्पेक्टर इगलास श्री रामशिया मोर वाहन चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग में और अपराध रोकथाम के ड्यूटी में मशगूल थे। उसी समय मुखर द्वारा सूचना मिली है कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध जो है शारदा स्कूल के पास खेत में छिपे हुए हैं। तो इस सूचना पर ये मैं अपराधियों के मौके पर पहुंचे तो वहां पर दो आदमी फैजान और मोहम्मद मौके पर मिले, उनकी तलाश लगी। उनके पास से एक देसी तमंचा 12 बोर का और दो कारतूस मिले हैं और इनके पास से तीन भैंसे और दो भैंसे चोरी के एक मैक्स गाड़ी में जिनको लाद रहे थे वो भी बरामद मौके से की गई है। उन्होंने उनसे पूछताछ की तो बताया कि तीन लोग हमारे साथ और थे जो भाग गए हैं और उनके नाम इन्होंने बताए हैं कि एक मुन्ना था और दूसरा अजीत और एक अज्ञात, ये लोग भागने में सफल हो गए हैं।